राहुल की शिव भक्ति पर पीएम मोदी का प्रहार। जो कैलाश मानसरोवर से जाकर के आया हो कि जरा कैलाश मानसरोवर का बताओ, तो सोचा कैलाश मानसरोवर। कांग्रेस राज में क्यों उपेक्षित थे काशी के सरकार? काशी विश्वनाथ परिसर का क्यों नहीं हुआ उद्धार? काशी विश्वनाथ महादेव को गौरव प्राप्त हो लेकिन वो हो न सका, पता नहीं उस समय शंकर भक्त सब कहां गए थे। माता अहिल्याबाई के सपनों को मोदी करेंगे साकार। मेरा सौभाग्य है कि तो माता अहिल्याबाई ने जो काम किया था मेरे लिए, उस कार्य के लिए एक जीवंत प्रेरणा है। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी वैसे तो गुजरात चुनाव के समय से ही मंदिर मंदिर मत्था टेक रहे हैं, लेकिन कर्नाटक चुनाव में पार्टी की बुरी हालत के बाद वो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी गए और वहां से जब लौटे तो राहुल गांधी को कांग्रेस शिव भक्त राहुल के तौर पर पेश करने लगी। तो वहीं कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ लेकर आगे बढ़ रहे राहुल गांधी इन दिनों मध्य प्रदेश में भी चुनावी रैलियों के साथ ही मंदिर में दर्शन करने से भी नहीं चूक रहे। उनके इसी सॉफ्ट हिंदुत्व पर इस बार पीएम मोदी ने करारा प्रहार किया। मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे पीएम मोदी रविवार को जब अहिल्याबाई होलकर की धरती इंदौर पहुंचे तो काशी विश्वनाथ और अहिल्याबाई को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, इंदौर के पूर्व होलकर राजवंश की शासक माता अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। इसके बाद इस मंदिर परिसर का क्या हाल हुआ ये हम भली भांति जानते हैं। पता नहीं सब शंकर भक्त तब कहां थे। माता अहिल्याबाई उस कालखंड में जब राज व्यवस्था को संभालती थी तब किसी निर्णय या प्रस्ताव के ऊपर अपना सिग्नेचर करना होता था, हस्ताक्षर करना होता था, तो माता अहिल्याबाई नीचे श्री शंकर लिखती थी और इस सारे कार्य को दैवी कार्य के रूप मान करके श्री शंकर को समर्पित कर देती थी। मेरा यह सौभाग्य रहा है कि काशी की जनता ने मुझे लोकसभा में बेच करके देश की सेवा करने का अवसर दिया है और काशी विश्वनाथ महादेव का पुनर्निर्माण माता अहिल्याबाई ने किया था और उसके बाद वहां क्या हालत बनाए गए वो हम भली भांति जानते हैं। देश आजाद होने के बाद फिर से काशी विश्वनाथ महादेव को गौरव पुनः प्राप्त हो लेकिन वो हो न सका, पता नहीं उस समय शंकर भक्त सब कहां गए थे। राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पर तंज कसने वाले पीएम मोदी वाराणसी से ही सांसद हैं। साल 2014 के आम चुनाव में भारी वोटों से जीतने वाले पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए किए गए काम के बारे में भी इंदौर की जनता को बताया। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि सांसद बनने के बाद उस पूरे परिसर के पुनर्निर्माण का काम बहुत तेज गति से चल रहा है। अब जब हिंदुस्तान से कोई नागरिक काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाएगा तो माता अहिल्याबाई ने जो काम किया था फिर से एक बार उसका पुनः स्मरण हो जाएगा। ऐसा काम आज 21वीं सदी में हो रहा है और इसलिए माता अहिल्याबाई मेरे लिए उस कार्य के लिए एक जीवंत प्रेरणा है। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सन 1780 में करवाया था। इसी काशी के लोकसभा सीट से पीएम मोदी ने 2014 में चुनाव लड़ा था। उन्हें 5,81,022 वोट मिले थे। फिलहाल राहुल गांधी के बारे में बात करें तो उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की शुरुआत उज्जैन में महाकाल के दर्शन के बाद शुरू की थी। राहुल को शिव भक्त बताने वाली कांग्रेस उन्हें जनेऊधारी ब्राह्मण भी बता चुकी है। तो वहीं एमपी में कांग्रेस गौशाला बनाने का भी ऐलान कर चुकी है। कुल मिलाकर चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर नजर आ रही है।